Hello everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I am a BTech undergraduate student at IIT Kanpur. So today I am going to solve NCERT exercises on coordination chemistry. I had already solved the 10th question, so let's continue further with question number 11, 5.11. What are they asking? So they are asking to draw the isomers. Okay, so let me draw first part. I will draw for the first one. And rest I will leave it to you. So let's start. Okay. So I have to draw isomers for COCl2 EN2 positive. So we know that it's a compound with six ligands. Those two Cl, and since En is a bidentate ligand, so COCl2 EN2 is a hexadentate ligand. Hexadentate matlab six ligands is mein, okay? तो ये कैसे बनेगा इसका, इसमें सेंटर एटम तो सी होगा, ठीक है, ये तो सेंटर एटम हो जाएगा, उस पर अपने को सी एल लगाने हैं। तो सबसे पहले तो ये कैसे रहेगा प्लेन पे, सो दिस इज द प्लेन, इसमें सी ओ है सेंटर एटम, सी ओ से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट पर बनाए हुए हैं, यहाँ पे लगा हुआ एक सी एल, ठीक है, एक सी एल प्लेन के ऊपर से आ रहा होगा, एक सी एल यहाँ पे होगा, ठीक है, और फिर अपन लगाने दो ई एन, तो अपन दो ई एन लगा देते हैं, तो एक ई एन यहाँ लगाते हैं जो इससे जुड़ा हुआ होगा ऐसे, ठीक है, और ये क्योंकि ये बाइडेंटिटी लाइगेंड है तो ये दोनों तरफ से जुड़ा हुआ होगा, तो अपन ने इसको ऐसे करके जोड़ दिया, ठीक है। वैसे एक ई एन और है यहाँ पे, एक एन को ऊपर को जोड़ना है, दूसरे एन अपन यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, ये दूसरा एन है तो वो भी इससे जुड़ा होगा, क्योंकि एन जो होता है ना बाइडेंटिटी लाइगेंड होता है, हमेशा ध्यान रखना, इसलिए जो ये कंपाउंड है सिक्स लाइगेंड्स है, दो सी एल और दो एन, तो दो एन मतलब चार, क्योंकि एन दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि बाइडेंटिटी लाइगेंड है। इसका एक आइसोमर तो ऐसा बनेगा सी ओ सी एल टू एन ट्वाइस का, ठीक है, एक बन जाएगा मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा, ठीक है, एक बन जाएगा इसकी मिरर इमेज। मिरर इमेज कैसे होती है, मिरर इमेज में क्या होगा, जस्ट ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे और ये उस तरफ चला जाएगा, मतलब मैं बना देता हूँ इस टाइप से, ये अपना सरफेस है, यहाँ पे लगे हुआ है बीच में सी ओ, जो ये ई एन और सी एल है ये इस तरफ आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा सी एल, यहाँ पे आ जाएगा सी एल जो इससे ऐसे जुड़ा हुआ होगा, और यहीं पे आ जाएगा ई एन जो ऐसे जुड़ा हुआ होगा, यहाँ से कुछ नहीं किया मैंने, बस इसकी मिरर इमेज बनाई है, ठीक है, और जो ई एन प्लेन में था वो राइट साइड पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं मिरर इमेज बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला ई एन कैसे हो जाएगा, ये वाला ई एन हो जाएगा ऐसे, ठीक है, तो ये बन गया मेरा इसकी मिरर इमेज, मतलब ये मिरर इमेज, ये मिरर है, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया मिरर इमेज, तो ये बन गया इसका आइसोमर, यहाँ पे फिर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, तो ये दो आइसोमर बनेंगे, ये कैसे आइसोमर, ये आइसोमर, ये आइसोमर कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जो सेम से मिलमेंट है वो आसपास में है, तो जो ये आइसोमर मैंने बनाए हैं ये सिस हैं, ठीक है, और बनाऊंगा मैं ट्रांस वाला, ट्रांस वाले में क्या होगा, ट्रांस वाले में ये जो भी सेम सेम वाले हैं ये पूरे डायरेक्शन में आ जाएंगे, मतलब पहले तो वही बनाऊंगा मैं प्लेन से कि ये मेरा प्लेन है, ठीक है, बीच में क्या होगा, बीच में होगा कोबाल्ट, और अब मैं ऐसा बनाऊंगा कि ट्रांस हो जाए, मतलब ट्रांस के लिए क्या करूंगा, एक ई एन को यहाँ रखूंगा जो इससे ऐसे जाके ऐसे जुड़ेगा वैसे यहाँ से भी, और एक ई एन को उसके सामने रखूंगा ताकि वो ट्रांस हो जाए, समझ में आया, तो दूसरा ई एन यहाँ पर रहेगा ताकि ये ट्रांस हो जाए, तो ये जाके जुड़ेगा ऐसे, ठीक है, इससे क्या होगा ई एन ट्रांस हो गया, अब दो सी एल बचे तो दोनों सी एल को ऊपर नीचे रख दो, एक सी एल यहाँ पे आ जाएगा जो इससे कोऑर्डिनेट पर बना रहा होगा, और एक सी एल नीचे चल जाएगा, ठीक है, तो जो ये आइसोमर है, ये आइसोमर है ट्रांस, ठीक है, ऊपर वाला था सिस और ये है ट्रांस, समझ में आ गया, तो इसके ये तीन आइसोमर होंगे, दो सिस एक मिलर में जो भी और एक ट्रांस आइसोमर, तो अपने को पता है कि तो इसके पास मतलब क्या हो गया, इसके पास हो गया इसके पास दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, और जो सिस वाला है उसके पास मिरर इमेज बना सकते हैं, तो सिस वाले के
ऑप्टिकल आइसोमर्स है। इसका मतलब इट हैज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन विच दिस फॉर्म्स शोज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्यों? क्योंकि उसकी मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजिबल है, और अपने को पता है जो नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। तो उसका सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है और ट्रांस फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऐसे पहले वाला हो गया। सेकेंड वाले में भी ऐसे ही होगा। सेकेंड वाले में अपने को सी बस एक ई एन की जगह एन एस टी लगाना है। तो ई एन की जगह एन एस टी लगाना है ना अपने को, ई एन की जगह एन एच थ्री लगाना है। हाँ तो बस ठीक है, एक ई एन की जगह एन एस टी लग जाएगा, तो इसमें ट्रांस वाला आइसोमर बनेगा ही नहीं, इसमें ट्रांस वाला आइसोमर बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें अगर अपन ट्रांस वाला आइसोमर बनाएंगे तो बन सकता है इसमें भी, एक मिनट। हाँ तो इसमें भी बनेगा, इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी जो जो अपन ने इसमें बनाया है वही सेम रहेगा। बस एक सेल को अपन लोग अमोनिया से रिप्लेस कर देंगे, बाकी सेम टू सेम दो सेल्स बनेंगे, एक ट्रांस बनेगा। ठीक है, सेकंड वाला भी ऐसे बन जाएगा। और थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है? थर्ड वाले में अपने को दिया हुआ है CONH3 2 Cl2 En। इसमें अपने को बोला है, इसमें अपने को En को एक कर दिया और एक NH3 एक Cl बढ़ा दिया। तो इसमें क्योंकि NH3 ट्वाइस है तो दो सेल्स आइसोमर इसमें भी बनेंगे, जिसमें अपन NH3 को पास पास रखेंगे और CLCL पास में रहेंगे, और तो सिक्स आइसोमर बन जाएगा जिसकी मिरर इमेज बनेगी जैसे अपन इसमें बनाया है, और जो बचा हुआ एक आइसोमर होगा वो ट्रांस आइसोमर होगा। तो इसमें तीनों के तीन तीन आइसोमर्स बनेंगे, जिसमें से दो ज्योमेट्रिकल होंगे और जो सिक्स वाला फॉर्म होगा वो तीनों में ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, हेंस इन दिस क्वेश्चन वी विल गेट टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन विच सिस फॉर्म विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, मतलब मैंने एक बना दिया फर्स्ट पार्ट का, बाकी दो पार्ट का भी सेम टू सेम ऐसे बनेगा। बस अपने को जो लिगेंड दिया हुआ है वो रिप्लेस करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं आएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला अपने को, 5.12 क्या बोला इसमें? इसमें इसमें भी आइसोमर बनाने हैं PtNH3BrClPy के, और इसमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव है ये दिखाने हैं। तो ठीक है, इसमें भी अपन बना देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो अपने को इसमें सेंटर आइटम प्लेटिनम होगा, तो सेंटर आइटम बनाने पहले अपन एक काम करते हैं, इसमें अपन वो बना लेते हैं, शेप लेते हैं। हाँ ये लेते हैं, और ऐसे करके 1 2 ठीक है और 3। ठीक है, मैंने 3 क्यों बनाया, क्योंकि इस केस में 3 आइसोमर्स आएंगे अपने PtNH3BrCl ट्रेडिंग केस में, इतने पास 3 आइसोमर्स आएंगे। तो मैं बनाता हूँ, सेंटर में तो होगा अपना प्लेटिनम। ठीक है, और अब चारों तरफ मेरे को लगाने हैं, तो एक तरफ मैं लगाता हूँ Cl, एक तरफ मैं लगाता हूँ ब्रोमीन, एक तरफ मैं लगाता हूँ अमोनिया, मतलब जो मेरे को दिया मैं बस वो लिगेंड्स के चारों तरफ लगाता हूँ। ठीक है, और एक तरफ क्या बचा? पीरीडीन। ठीक है, तो एक आइसोमर तो ये बना लिया अपन ने। दूसरा आइसोमर में क्या करेंगे, बस इन्हीं की रिलेटिव पोजीशन चेंज करनी है, मतलब मैं यहीं पे बनाता हूँ PT, सेंटर में तो PT रहेगा अपना, तो इसमें रिलेटिव पोजीशन चेंज करनी है। अब देखो अपन कैसे चेंज कर सकते हैं, काम करते हैं क्लोरीन ब्रोमीन की पोजीशन चेंज कर देते हैं, जैसे कि अमोनिया और ब्रोमीन यहाँ पे ट्रांस में है, तो अपन अमोनिया और ब्रोमीन को सिस बना देते हैं, अमोनिया ब्रोमीन को सिस बनाते हैं। ठीक है, तो ये अमोनिया यहाँ पे अपन लगा देते हैं ब्रोमीन, अभी अपन ने सील लगाया था, अपन लगा रहे हैं ब्रोमीन। ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं Cl, और यहाँ पे तो पीरीडीन रहेगा जो बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, दो बना लिए, क्या किया मैंने, बस रिलेटिव पोजिशन चेंज करी है। अभी भी रिलेटिव पोजिशन चेंज हो सकती है, देखो अमोनिया के ट्रांस में ब्रोमीन आ गया, अमोनिया के ट्रांस में क्लोरीन आ गया, अभी भी अमोनिया के ट्रांस में पीरीडीन बचा हुआ है, तो अमोनिया के ट्रांस में पीरीडीन होगा वो तीसरा क्लिक होगा। अपने को कुछ नहीं, अपने को बस डिफरेंस सिस और ट्रांस पोजीशन ढूंढनी है, उसे आप जितने पोजीशन उससे आप जितने आइसोमर बनेंगे वो अपने को बनाने हैं। और क्योंकि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला है, मतलब स्क्वायर प्लेन वाला है, जिसमें अपने को सिर्फ 4 ही लिगेंड दिए हुए हैं, तो ये 6 लिगेंड वाले से सिंपल होता है हमेशा, क्योंकि इसमें केसेस कब बनते हैं तो अपन आसानी से देख सकते हैं। तो अमोनिया के बाजू में यहाँ पे रहेगा क्या, यहाँ पे रहेगा पीरीडीन, अरे ये प्लेटिनम था, सॉरी ये प्लेटिनम। ठीक है, और यहाँ पे Br और यहाँ पे Cl। ठीक है, तो ये 3 आइसोमर बनेंगे इसके। कुछ नहीं किया मेरे को, बस सिस और ट्रांस रिलेटेड सिस और ट्रांस पोजीशन ढूंढनी है, बाकी सब सिंपल है। ठीक है, तो इसके 3 आइसोमर्स होंगे,
और अपने को बतानी है कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें कोई सा भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये सबकी मिरर इमेज एक दूसरे पर, इसकी मिरर इमेज लोगे तो उसको आप इस पे ओवरलैप कर सकते हो। और ये बात ध्यान रखना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर में या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बहुत ही रेयर होती है, मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और वो भी अपन तब देख सकते हैं कि एक तो होती नहीं है टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर में, यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपन कहीं से भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं ढूंढ पा रहे। अपन अगर इसकी मिरर इमेज लेंगे तो अपने पास जो अपन इसमें मिलेंगे तो BRCL एक तरफ आ जाएगा, NH3P वाई तरफ आ जाएगा, तो उसको मैं रोटेट करके रख दूंगा तो वापस यही बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है। वैसे अपन इसमें करेंगे वैसे अपन इसमें करेंगे, तो इसमें एक भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो अगर अपने को स्क्वायर प्लेनर में या फिर टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकली एक्टिव चाहिए तो ध्यान रखना इस बात को कि जब भी क्लेटिंग लिगेंड्स आते हैं ना, तब अपन स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में जब भी क्लेटिंग लिगेंड्स आएंगे, मतलब जिसमें जिसमें क्या बोलते हैं बाइडेंटिटी टाइप, जिसमें जैसे कि अपन ऊपर देखा था EN वाला था, मतलब जिसमें रिंग आ जाएगी, जब उस टाइप के लिगेंड्स आएंगे ना टेट्राहेड्रल में या स्क्वायर प्लेनर में, तब जाके वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपन रिंग को ओवरलैप नहीं कर सकते दूसरी रिंग पे। तो जब भी ऐसी लिगेंड्स आएंगे जिसमें रिंग आएगी, जैसे कि EN हो गया अपना, ऑक्सो हो गया अपना, जब भी इस टाइप के लिगेंड्स आएंगे जिसमें रिंग होती है, तो अपन ध्यान रखना कि रिंग को कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते, उस केस में वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन इस केस में वो लोग ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो अपन ने जो क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5.13 पे, ठीक है। तो मैं चलता हूँ 5.13 पे। तो 5.13 में अपने से क्या बोला है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया हुआ है अपने को दिया हुआ है कि वो ब्लू ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है पोटेशियम सोडियम के साथ, और ब्राइट ग्रीन देता है एक्वस पोटेशियम क्लोरेट के साथ। तो अपने को उसको एक्सप्लेन करना है। तो अपने को दिया हुआ है कि अपने को बेसिकली एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया हुआ है, उससे दो रिएक्शन की हुई है, तो अपने को उन दोनों रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है ना, ठीक है, कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला अपने, फर्स्ट पार्ट में अपने को बोला है कि व्हेन KF इज एडेड एक्वस पोटेशियम क्लोराइड, मतलब KF, तो अपने को ग्रीन प्रेसिपिटेट मिलता है ना, क्यों मिलता है? ऑब्वियस बात है, जब अपन KF को, मतलब मैं रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, जब मैं KF को एक्वस कॉपर में ऐड करूंगा, एक्वस कॉपर सल्फेट कैसा होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट कुछ ऐसा होता है, कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट बोला है ना, हाँ एक्वस कॉपर सल्फेट मतलब लिगैंड के अंदर जो जो कॉपर लिगैंड है वो पानी है, ठीक है, H2O, और यहाँ पे 4 होता है, मतलब ये एक्वस कॉपर सल्फेट के लिए होता है, और जो अपना प्राइमरी सेकेंडरी आयन होता है वो होता है सल्फेट, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ठीक है। सो 2 पॉजिटिव, तो ये होता है अपने मेरा एक्वस कॉपर, ठीक है। इसमें जब मैं फ्लोराइड ऐड करता हूँ 4F-, तो मेरे पास जो रिएक्शन आती है वो उस टाइप की आती है कि मेरे पास CuF4-2- बन जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगेंड है, इसको याद रखना, जब अपन लोग सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे ना, सॉल्ट एनालिसिस में ये बहुत बार पूछा गया है जेई मेन तो एडवांस में, तो ये आयन याद रखना कि CuF4 बनता है, ये सॉल्ट एनालिसिस में बहुत पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखना। तो जो ये लिगेंड होता है ना CuF4-2-, इसका जो कलर होता है ना, इसका नाम पहले मैं लिखता हूँ, इसका नाम होता है टेट्रा फ्लोराइड क्यूपरेट 2, उसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, तो ये बन जाता है, इस चक्कर में आपके पास ग्रीन कलर आ जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है इसलिए ग्रीन कलर मिलता है। और फिर सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में बोला है कि ब्राइट ग्रीन सोल्यूशन विथ एक्वस पोटेशियम क्लोराइड, तो जब अपन इसमें पोटेशियम क्लोराइड ऐड करते हैं, ये वाला वापस, जब अपन इसमें पोटेशियम क्लोराइड करते हैं, मतलब 4Cl- इस बार, ठीक है, तो क्या होता है, तो इसमें बनता है क्या, इसमें बन जाता है, जो ये बना यही बनेगा, बस F की जगह Cl आ जाएगा, ठीक है, F की जगह Cl आ जाएगा, इसमें ये बनता है। तो जो ये कलर होता है ना, इसका तो होता है ग्रीन पीपीटी, ये बनता है, इसका होता है ब्राइट ग्रीन पीपीटी, तो ये भी याद रखना, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज सिर्फ इसी में काम आती है, आगे जाके सॉल्ट एनालिसिस में भी काम आती है, और सॉल्ट एनालिसिस एक ऐसा चैप्टर है जिससे सवाल बहुत आते हैं मेंस में भी एडवांस में, तो ये ब्राइट ग्रीन पीपीटी होता है, तो इस चक्कर में इसमें ग्रीन और ब्राइट ग्रीन कलर आएगा, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लेट मी रिमूव दिस टेक्स्ट बॉक्स समथिंग साथ में। सो 5.14, इसमें क्या बोला है मुझे, इसमें मुझे बोला है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी फॉर्म्ड व्हेन एक्वस एक्सेस ऑफ एक्वस केसिंग इज एडेड टू कॉपर सल्फेट, तो क्या बनता है, ये अपने से पूछा है जब एक्सेस में ऐड करते हैं तब, ठीक है। फिर मुझसे बोला व्हाई इज इट दैट नो प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन व्हेन H2S इज पास्ड थ्रू दिस सॉल्यूशन,
तो पहले तो अपने को कॉम्प्लेक्स बनाना है, फिर कॉम्प्लेक्स बना के उसमें H2S ऐड करना है, ठीक है। तो क्या होता है, जब क्यूप्लिक साइनाइड को अपन लोग, क्यूप्लिक साइनाइड दिया हुआ ना अपने को, हाँ, एक्वस केसियन को, एक्वस केसियन को अपन कॉपर सल्फेट में ऐड कर रहे हैं। तो जब अपन उसको ऐड करते हैं ना, तो इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है, और सीरीज ऑफ रिएक्शन होने के बाद जो अपने पास फाइनल रिएक्शन आती है इस केस में, वो आती है 2 टाइम्स CuSO4 +10 KCN, इट विल गिव यू 2 टाइम्स K3 CuCN4 CuCN4, ठीक है, +2 टाइम्स K2SO4 प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस साइनोजन गैस। अगेन सॉल्ट एनालिसिस, ये चीज़ भी सॉल्ट एनालिसिस में बहुत काम आएगी, साइनोजन गैस, ऊपर जो मैंने 2 केमिकल्स बताए थे, इवन दिस केमिकल K3CuCN4, ये सब सॉल्ट एनालिसिस में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज़ पर ज़रा ध्यान रखना है, ये सब अगर आप अभी से याद कर लोगे तो आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। तो 5.14 में आपने से ये पूछा कि जब कॉपर सल्फेट एक्वस क्वेश्चन से रिएक्ट करता है तो क्या रिएक्शन होती है, तो जब वो केसिन से रिएक्ट करता है तो ये वाली रिएक्शन होती है, मतलब क्या बनता है अपने पास, अपने पास बनता है साइनोजन गैस CN2 प्लस पोटेशियम सल्फेट बनता है, और प्लस ये कॉम्प्लेक्स बनता है कॉपर साइनाइड का, ठीक है। फिर अपने को बोला है कि, तो अपने को क्या पूछा था, अपने क्वेश्चन पूछा था कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कौन सी, तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी ये बनेगी CuCN4-, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में लिखूं, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या हो गई, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या हो गई, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो गई ये वाली, मतलब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर बना है, और इस पे चार्ज कितना है, चार्ज है 3-, क्योंकि K3 लगा हुआ है ना बात, तो ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, ठीक है। और फिर इसमें बोला कि H2S के साथ ये प्रेसिपिटेट क्यों देता, कैसे देगा, CN- जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो CN- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो छोड़ेगा ही नहीं CU को, तो वो CU2S बनेगा ही नहीं, तो वो प्रेसिपिटेट कहाँ से आएगा। जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल हो जाता है, तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाता है तो फिर वो डिसोसिएट ही नहीं होगा CU2+ में, अगर ये CU2+ में डिसोसिएट नहीं होगा तो H2S PPT देगा ही नहीं, तो इसका रीजन क्या है, नो PPT मतलब प्रेसिपिटेट, बिकॉज CN- इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CN- इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो कॉम्प्लेक्स इज हाईली स्टेबल, सो इट डज नॉट डिसोसिएट टू गिव CU2+, डिसोसिएट या फिर आयनाइज कुछ बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे अपने पास PPT नहीं आता, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं 5.15, उसमें क्या बोला है, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे मेरे को बताना है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, मैं कर देता हूँ इसमें फर्स्ट पार्ट, चलो फर्स्ट पार्ट तो करता ही हूँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे बताना है ना मुझे। तो ये कुछ ऐसा होगा कि Fe3N6O- है, तो सबसे पहले तो अपने को बताना चाहिए कि G2SP3 हाइब्रिडाइज होता है, तो ये क्या होता है, ये होता है G2SP3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। इसके बाद अपने को सबसे पहले इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बताना है, तो अपने को बॉक्स बनाने पड़ेंगे, तो पहले मैं बॉक्स बना देता हूँ, ये बनेगा मेरा 3D, फिर एक और, ठीक है, ये बनेगा मेरा 4S, और अब मुझे बनाना है 4P, ठीक है। तो ये मैंने 3 बॉक्स बना लिए, ये है मेरा 3D, ये है मेरा 4S, और ये है मेरा 3P, ठीक है। तो अभी थोड़ा ढंग से बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे को बोला गया है पहले तो मैं ग्राउंड स्टेट में बनाऊंगा, तो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, G2SP3 ना, G2SP3 मतलब आयरन का होता है 26, 26 मतलब कितना हो गया, 26 मतलब हो जाएगा 2, 8, 8, कितना हो गया, 16, 17, 18, 2, 8, 8, और फिर आखिरी में भी 8 बचे, तो मतलब उसका जो वैलेंस शेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, मैं एरो नहीं बना रहा, मैं सीधे बना रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब पहले 4S बढ़ता है, तो पहले 4S बढ़ता हूँ, पहले 4S में 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ये तो पता है ना कि पहले 4S बढ़ता है फिर 3D बढ़ता है, तो 2 आ गए, फिर 3, 4, 5, 6, 7,
और ये 8, ठीक है। तो ऐसे में बस ग्राउंड स्टेट होता है आयरन का। उसके बाद क्या होता है, अपने को एफिशिएंसी 4:2 बनाना है, तो अपने को बताए कि इसमें तो एफी के ऑक्सीजन स्टेट +2 है, +2 में क्या होगा, 4 से 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 इलेक्ट्रॉन हटा देता हूँ यहाँ से। क्या होगा ना, ये जब अपने को Fe2+ बनाना होगा तब 2 इलेक्ट्रॉन हटेंगे, और जो हटते हैं वो 4s से हटते हैं पहले, 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने हटा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपने को चाहिए कि अपन बना लें D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे। अपने को पता है हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, अपने को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने पड़ते हैं, और अपने को चाहिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, तो ऑब्वियस बात है मेरे को ये दोनों खाली करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास S है, मेरे पास P3 है, मेरे को D2 और चाहिए, तो मेरे को इन दोनों को खाली करना पड़ेगा। तो मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों की पेयरिंग कर देता हूँ और इन दोनों को अंदर भेज देता हूँ। तो मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और अब मेरे को इन दोनों की पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो मैं वो वाले 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालता हूँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास जो बच गया ना, ये क्या बन गया मेरे पास, ये मेरे पास बन गया D2sp3, D2sp3, ठीक है। तो ये बन गया D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे जो C- लिगेंड्स है, मेरे पास 6 C- है ना, तो 6 C- एक यहाँ आएगा, 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 एक यहाँ आएगा। इस तरह से अपना D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है C6H4- के केस में। तो ऐसे करके अपन चारों के लिए दिखा सकते हैं। हाँ, इसमें सबसे बड़ी केस है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की यही कमी है कि अपने को इसमें हाइब्रिडाइजेशन पता होगा तभी अपन बना सकते हैं, वरना अपन नहीं बना सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैं सबका हाइब्रिडाइजेशन आपको लिख के देता हूँ, बाकी फिर आप कर लेना। मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट ये था। सेकेंड पार्ट में जो अपना सेकेंड पार्ट में जो अपना हाइब्रिडाइजेशन Fe6C- इसमें होता है Sp3D2, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट इसमें होता है। थर्ड वाले में होता है क्या, थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में दिया हुआ है CO2O4-3-, तो इस केस में भी अपने पास होता है Sp3D2। ये मैं बता रहा हूँ लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर फोर्थ वाला को क्या दिया हुआ है अपने को, फोर्थ वाला दिया हुआ है अपने को CO F6-3-, CF6-3 के केस में अपने पास हाइब्रिडाइजेशन होता है SP3D2 होता है, ठीक है। ऐसे करके अपन लोग सालों के लिए बना लेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, 5.13 क्वेश्चन है, 31 है। तो 5.13 में क्या बोला है, 5.13 नहीं है सॉरी, ये 5.15, 5.15 में क्या बोला है, 5.15 भी नहीं है, 5.16 है यार, सॉरी। 5.16 में क्या बोला है, 5.16 में बोला है ड्रॉ फिगर टू शो द स्पेसिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल भी। अरे ये तो सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये तो आप लोग कर लोगे। सीधे सीधे फिगर बनाना है, तो अपनी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। सो लेट्स मूव टू 5.17। व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, अपने को एक्सप्लेन करना है डिफरेंस बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये भी ओरल क्वेश्चन ही है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो होती है जैसे कि जो अपनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है ना, वो डिपेंड करती है कि आपका लिगैंड कौन सा है और लिगैंड पे चार्ज कितना है। कुछ लिगैंड ऐसे होते हैं जिससे स्ट्रॉन्ग फील्ड बनती है, कुछ लिगैंड ऐसे होते हैं जो वीक फील्ड लिगैंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड वो होते हैं जिसमें स्प्लिटिंग बड़ी होती है। वीक फील्ड लिगैंड क्या होता है, वीक फील्ड लिगैंड वो होते हैं जिसमें स्प्लिटिंग छोटी होती है। तो अपन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड को वीक फील्ड लिगैंड को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तब अपने पास जो सीरीज बनती है उसी को अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो मैं यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख देता हूँ। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबसे पहले आता है I-, उसके बाद आता है Br-, उसके बाद आता है HCN-, उसके बाद आता है Cl-, उसके बाद आता है H2-, उसके बाद आता है F-, उसके बाद आता है OH-, उसके बाद C2O4-2-, C2O4-2- से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड चालू हो जाता है, ठीक है ना। C2O4-2-, उसके बाद आता है H2O, मतलब ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएंगे, H2O न्यूट्रल लिगेंड टाइप का मान लो। उसके बाद NCS-, उसके बाद EDTA-4-, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगेंड, इस पर बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं, फ्यूचर में भी बनेंगे ऑब्वियस सी बात है। फिर अमोनिया, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये भी। उसके बाद आता है EN, उसके बाद आता है CN-, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड आउट देयर।
सी एन माइनस और सी ओ माइनस, मतलब ये दोनों ने मैंने लगाया है कि सी एन माइनस, सी ओ सी एन माइनस से बड़ा है, लेकिन दोनों की ताकत सेम से होती है, तो ये दोनों सेम होते हैं और ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंट्स होते हैं। तो ये याद रखना कि स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंट पूछेंगे तो सी ओ, सी ओ आंसर देंगे, और वैसे सी एन माइनस और सी ओ सेम से ही होते हैं। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन था, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए अपने को। फिर अपने चलते हैं 5.18 पे, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी तो मैंने आपको बताई है कि जब अपन जब कोई लिगेंड जो है अपने ट्रांजिशन मेटल के पास आता है, तब जो अपने डी ऑर्बिटल होते हैं वो 2 सेट में स्प्लिट हो जाते हैं, 2 सेट में स्प्लिट हो जाते हैं। 2 सेट कौन से होते हैं, एक होता है लो एनर्जी का, एक होता है हाई एनर्जी का। तो उन 2 सेट के बीच में जो एनर्जी गैप होता है ना, उसको अपन लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जैसे आपने पढ़ा होगा T2g ऑर्बिटल्स और EG ऑर्बिटल्स, T2g कौन से होते हैं, DXY, DYZ, DZX, और EG कौन से होते हैं, DZ² और DX²Y². तो जब भी अपने पास बाहर से लिगेंड्स आते हैं ट्रांजिशन मेटल के पास, तब ये T2g और EG लिगेंड्स स्प्रेड हो जाते हैं। तो जब ये स्प्रेड होता है, तब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप आता है, उसी को अपन लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, और फिर अपन से पूछा है हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ, मतलब यही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ऑब्वियस बात है, ये डिसाइड करेगा, इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, एक होता है पेयरिंग एनर्जी। तो अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहेंगे, और अगर वाइस वर्सा है, मतलब अगर पेयरिंग एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से ज्यादा है, तो वो ऑब्वियस बात है कि T2g से EG में जाना चाहेंगे। तो इस चीज पर डिपेंड करता है कि डेल्टा ओ बड़ा है कि पेयरिंग एनर्जी बड़ी है। ठीक है, सो मैं लिखता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर, इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर, इट डिपेंड्स ऑन वेदर वेदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको अपन लोग CFSE बोलते हैं, वेदर CFSE इज ग्रेटर और पेयरिंग एनर्जी, इन दोनों में जो बड़ा होता है उस हिसाब से अपने लाइगेंस जो है T2g और EG में जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फिर अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5.19 में क्या बोला है मुझे, तो मुझे बोला है कि क्रोमियम अमोनिया कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल निकल साइनाइड कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक, एक्सप्लेन व्हाई। तो इसको भी अपन लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो अपना पहली बात, तो अपन इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी छोड़ भी रहे हैं और इसी अपन वैसे देखें, तो क्रोमियम अमोनिया कॉम्प्लेक्स और NaCN4-2- कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहली बात तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है निकल वाला, और टेट्राहेड्रल नहीं मतलब स्क्वायर प्लेनर है, और जो अपना क्रोमियम अमोनिया वाला है ये है अपना, एक तो इसमें 6 लाइगेंस है, तो इसमें तो बात ही अलग हो गई। दूसरा ये D2sp3 है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वो पेयरिंग करवा देंगे, पेयरिंग करवा देंगे तो अमोनिया जो, तो जो अपना 3D है उसमें पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो उसमें D2 खाली हो जाएगा। इसका मतलब जो अपना क्रोमियम अमोनिया कॉम्प्लेक्स है वो D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और निकल साइनाइड कॉम्प्लेक्स है, साइनाइड भी मैंने बोला बहुत, साइनाइड तो सबसे स्ट्रांग होता है, साइनाइड भी पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा तो इसमें भी डी वाला खाली हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा DSP2। तो ऑब्वियस बात है दोनों ही पेयरिंग करवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और साइनाइड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दोनों ही पेयरिंग करवा देंगे इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि दोनों में पेयरिंग हो रही है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि दोनों इनर डी ऑर्बिटल्स वाले बन, इनर डी ऑर्बिटल्स वाले हैं। ठीक है, अब अपने को बताना है कि वो पैरामैग्नेटिक क्यों डायमैग्नेटिक क्यों है। तो अपने को पता है जो क्रोमियम होता है वो 24 होता है, 24 होता है मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गई, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गई 2886, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अपने को पता है क्रोमियम वाला वैसे भी एक्सेप्शन होता है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3D5-4S1 होती है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 3D5-4S1। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब अपन पेयरिंग करवाएंगे ना, तब क्या होगा, अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो जब पेयरिंग होगी तब क्या होगा कि जो अपने पास अमोनिया, और इसकी बात कर रहा हूँ मैं साइनाइड की, क्या होगा इसमें, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, इसमें एक चीज और है यार कि मतलब हाँ वैसे ही होगा जैसे कि ठीक है ये क्रोमियम है, तो अपने को बनाना है कॉम्प्लेक्स क्रोमियम अमोनिया का, और यहाँ पे क्रोमियम है +3 स्टेट में, तो जब अपन +3 वाला स्टेट बनाएंगे तब क्या होगा, तब अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे, तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा सिर्फ 3D3। अब 3D3 है, पहली बात तो इसकी यहीं से अपना सवाल सॉल्व हो गया, क्योंकि 3D3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन की कभी भी पेयरिंग नहीं हो सकती, पेयरिंग होने के लिए हमको पता है हमको हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए मिनिमम,
मिनिमम नहीं है, मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग तो अपन कर ही नहीं सकते, तो ये तो यही सवाल होगा कि ये पहला मैग्नेटिक है। तो दूसरे पर आ जाते अपन, दूसरा है निकल कॉम्प्लेक्स NaCN42-, तो अपने को पता है जो निकल की कंफिग्रेशन होती है वो होती है 3D8-4S2। जो निकल की कंफिग्रेशन होती है वो होती है 3D8-4S2, ठीक है। तो अपन जब इसमें Ni2+ बनाएंगे तब तो अपने 4s के 2 इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 3D8, ठीक है। ये मतलब बॉक्स डायग्राम बना लेना, बॉक्स डायग्राम नहीं बना रहा। तो अपने को पता है अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन है और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा, और अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी पेयरिंग हो जाएगी, हेंस ड्यू टू पेयरिंग दिस इज डायमैग्नेटिक, ठीक है। और पहले वाले केस में मैंने क्या बताया आपको, 3 इलेक्ट्रॉन तो पेयरिंग उसकी हो ही नहीं सकती, और अमोनिया इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी नहीं है कि वो पेयरिंग करवा दे, ठीक है। तो अपन चलते हैं 5.20 पे। 5.20 में क्या बोला अपने को, 5.20 में क्या बोला है, 5.20 में बोला है सॉल्यूशन ऑफ निकल एक्वा कॉम्प्लेक्स इज ग्रीन बट द सॉल्यूशन ऑफ निकल साइनाइड इज कलरलेस एक्सप्लेन। इसमें भी वही चीज है, अपने को यही चीज बनानी पड़ेगी। निकल प्लस टू में, तो मुझ 3D8 में, 3D8 में मतलब उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इस केस में अपने पास H2O है और एक केस में CN है। जो अपने पास H2O है तो H2O वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए वो पेयरिंग करवा देगा। तो अगर NH3 वाले है, तो फिर अगर H2O वाले में पेयरिंग नहीं होगी तो उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो अपने को पता ही कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए वो क्योंकि H2O इसलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे DD ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो इसका मतलब वो कलर्ड होगा। वहीं निकल के केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो पेयर अप हो जाएंगे, तो पेयर अप हो जाएंगे तो यहाँ पे DD ट्रांजिशन नहीं होंगे। सिंपल, इसका सिंपल सा ले गया है, इसका सिंपल सा आंसर क्या है, दिस इज बिकॉज H2O इज अ वीक फील्ड लिगैंड, सो इट कांट पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स इन निकल सो They are involved in DD transitions, ठीक है। DD transition में इन्वॉल्व होते हैं, जिस वजह से दे एब्जॉर्ब रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट को एमिट करते हैं एंड एमिट ग्रीन लाइट, ठीक है। और वेयर एज साइनाइड साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड सो इट पेयर्स अप इलेक्ट्रॉन, सो इट पेयर अप, सो इट पेयर्स अप द इलेक्ट्रॉन, सो इट इज कलरलेस, ठीक है। तो ये सिंपल सा वही रीजन था, क्योंकि साइनाइड क्योंकि साइनाइड अपना क्योंकि साइनाइड अपना स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तो वो पेयरिंग करवा देता है, H2O वीक पे जगह तो वो पेयरिंग नहीं करवा पाता, इस चक्कर में सिंपल सा आंसर है इसका, ठीक है। फिर अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5.21। इसमें क्या बोला है, आयरन का कॉम्प्लेक्स दिया है, दोनों डिफरेंट कलर दिखा, दोनों डिफरेंट कलर दिखाते हैं सोल्यूशन में क्यों, ठीक है। तो आयरन प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट में होता है D6 में, अपने को पता है इसका मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और दोनों CN-H2O जो है, दोनों CN-H2O अलग अलग पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अपने को पता है, इसलिए दोनों की इसलिए दोनों की सीए बेसिस डिफरेंट होगी, मतलब क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंट होगी, इसलिए दोनों जो होते हैं ना, कि मतलब मैं इसको आपको कैसे समझाऊं, Fe प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट में है, प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट में मतलब वो D6 कॉन्फिगरेशन है, D6 कॉन्फिगरेशन है इसका मतलब अपने पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, मतलब अपने पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और फिर अपने को पता है कि H2 और CN माइनस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, इसलिए दोनों की सीए बेसिस डिफरेंट करेगी, डिफरेंट होगी, दोनों की सीए बेसिस डिफरेंट होगी, इसलिए दोनों ही अलग अलग रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, अलग अलग रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए दोनों का कलर डिफरेंट होता है। तो वही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी वही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आ रहा है, कि दोनों दोनों की सीए बेसिस अलग होती है, दोनों की सीए बेसिस अलग होगी तो दोनों अलग अलग स्प्लिटिंग करेंगे, दोनों अलग अलग स्प्लिटिंग करेंगे तो दोनों अलग अलग रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे, दोनों अलग अलग रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे, दोनों का कलर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसका भी वही रीजन है जैसे अपन लोग अभी करते आ रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ उसी से।
क्या बोल रहे हैं, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग मेटल कार्बोनेट्स। तो ये भी मतलब मैं भी ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये तो आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं, मतलब कैसे बॉन्डिंग होती है मेटल कार्बोनेट्स में। बस इसमें ध्यान देना कि ये बॉन्डिंग मेटल कार्बोनेट्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। बाकी सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है, लिगैंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल लिगैंड को बैक डोनेट करता है, जिससे कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसको अपन लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ लेना। बाकी मैं थ्योरेटिकल सॉल्व नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट चलता हूँ 5.23 पे। इसमें मुझसे बोला है कि इसमें मुझसे बोला है गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंगल मेटल एटम, ठीक है। तो अपन लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में अपने को बोला है कि 3CO(C2O4) थ्राइस, तो इसमें सिंगल एटम सबसे पहली बात तो इसमें सिंगल एटम पोटेशियम है। पोटेशियम है तो अपन वैसे निकालेंगे जैसे अपन पोटेशियम में कोबाल्ट है, तो वैसे निकालेंगे जैसे अपन लोग निकाल लेते हैं। ऑप्शन सेट को मानते हैं एक्स प्लस C2O4 माइनस की होती है -2, क्योंकि यहाँ पे 3 C2O4 माइनस है, तो हो जाएगी -6। तो एक्स प्लस -6 इक्वल टू, क्योंकि ये K3 दिया हुआ है ना, बारिश का मतलब पोटेशियम होता है +1, तो इस पर नेट सेल हो जाएगा कितना है, नेट सेल हो जाएगा -3। तो जब अपन यहाँ सॉल्व करेंगे एक्स के लिए, तो अपने को एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 3 + 3, ठीक है। तो ये लोग ऑक्सीजन स्टेट कोबाल्ट का। फिर अपने से पूछा है डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, तो अगर ये मतलब इसमें कोबाल्ट +3 के +3 में, ठीक है, कोबाल्ट प्लस थ्री में क्या होगा, कोबाल्ट का कंफिग्रेशन क्या होता है, कोबाल्ट होता है 3D7 4S2, प्लस थ्री में इसका मतलब हो जाएगा 3D6। तो कोबाल्ट प्लस थ्री में क्या होता है, कोबाल्ट प्लस थ्री में क्या होगा, ये हो जाएगा 3D6। 3D6 है और अपने को दिया हुआ है C2O4 माइनस, तो ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो ये पेयरिंग करवा देगा, हेंस मतलब इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे, इसको इट इज डायनामिक। समझ में आया ना क्या बोला मैंने, मैंने बोला पहले तो मैंने इससे ऑक्सीजन स्टेट निकाल ली, ऑक्सीडेशन स्टेट से मैंने CO3+ के इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन निकाल ली, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन निकाल ली। फिर मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन मैंने देखा कि वो 3D6 आ रही है, 3D6 आ रही है और C2O4 माइनस अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो वो पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा, इसलिए ये डायमैग्नेटिक हो जाएगी। तो मैंने डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन भी बता दिया कि वो 3D6 होगा, और मैंने ये भी बता दिया कि वो पेयरिंग होगी तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताना है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो इस केस में अपने को पता ही है, क्योंकि अपने को पता है C2O4 जो होता है वो डाइडेंटिक लिगेंड है, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि C2O4 माइनस डाइडेंटिक लिगेंड है, तो वो दो जगह से बॉन्डिंग करेगा, और क्योंकि 3 है तो 3 × 2 = 6, तो एक तो ये डायमैग्नेटिक है और दूसरा है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। आई होप समझ में आ गया वाय, क्योंकि ये जो है ये डाइडेंटिक लिगेंड है, डाइडेंटिक मतलब पता है ना, मैंने कल बताया था, डाइडेंटिक जो दो जगह से बॉन्डिंग करता है, तो क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 × 2 = 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया 6। डायमैग्नेटिक क्यों, ये भी मैंने बता दिया, डायमैग्नेटिक यार सॉरी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, तो अब मैं आगे चलता हूँ। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया है, वैसे मैं हर पार्ट का आंसर लिखता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। तो सेकेंड पार्ट में मेरी ऑक्सीजन स्टेट आएगी +3, सेकेंड पार्ट में मेरी ऑक्सीजन स्टेट आएगी +3, और मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंड पार्ट में भी चाहिए, ENN है ना, तो ENP डाइडेंटिक होता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंड पार्ट में भी चाहिए, ठीक है। और ये पैरामैग्नेटिक आएगा, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट में क्या होगा, थर्ड पार्ट में मेरा एक्स आएगा +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4, ठीक है, और ये भी पैरामैग्नेटिक आएगा। और फिर फोर्थ पार्ट में क्या होगा, फोर्थ पार्ट में मेरा कोऑर्डिनेशन मेरा एक्स आएगा +2, ये मेरा इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आएगा, ठीक है, और पैरामैग्नेटिक होगा ये भी, ठीक है। तो फिर ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है, 5.24 में क्या बोला मुझसे, राइट डाउन द आयुपैक नेम, ठीक है, आयुपैक नेम तो लिख देते हैं, सिंपल है।
वो ये पर अभी प्रेग्नेंट लिखो, फिर ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो अपन कर चुके हैं वही करना है अपने को। तो मैं सबका अभी प्रेग्नेंट लिख देता हूँ, बाकी ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वो सब आप निकाल लेना। इसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट और पूछा है ना, तो मैं पहले वाले पार्ट का निकाल के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो पहले वाले पार्ट का क्या है, इसका अपन आयु प्रेग्नेंट लिखेंगे तो आ जाएगा क्या, पोटेशियम डाई एक्वा डाई एक्वा, फिर क्या है ऑक्सलेट है, तो ऑक्सलेट तो सेंट्रल एटम का क्रोमियम, तो क्रोमेट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी 3 हाइड्रेट, ठीक है। तो ये हो गया अपना इसका नेम। तो ऑब्वियस बात है इसमें अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्योंकि दो एक्वा है, दो ऑक्सलेट, ऑक्सलेट बाइडेंटिटी होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका 6 होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का मैंने बोला ही +3 होगा, वो तो उसने दिखा दिया। और इसके बाद अपने को बतानी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलता है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, एन इज एन पे इलेक्ट्रॉन्स, एन मल्टीप्लाइड बाई एन सॉरी एन मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस टू, ये होता है ठीक है, इसकी पावर हाफ, ये होता है मेरा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो मैं इसे सॉल्व करूंगा, तुम्हें बस पता है कि क्रोमियम +3 में तो नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन होंगे 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 × 3 + 2 मतलब 3 × 5 मतलब √15। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा √15, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे निकलता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस टू पावर हाफ, यार क्या, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, ये याद रखना, बॉक्स कर देता हूँ इसको। ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का पूछते हैं एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मतलब बाकी पार्ट आप लोग कर लेना, मैंने एक पार्ट कर दिया है, सब ऐसे ही होंगे। 5.24 तो हो गया ना, 5.25 पे चलते हैं, 5.25 क्या बोला है, तो मुझे बोला है कि एक्सप्लेन द वायलेट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे इसका वायलेट कलर एक्सप्लेन करना है ना अपने को। तो यार ये सेम टू सेम एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, एनसीईआरटी में, तो दिखाता हूँ आपको। देखो द कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम एक्वा इज वायलेट इन कलर, दिस इज एन ऑक्टल हेडल कॉम्प्लेक्स वेयर द सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द मेटल डी ऑर्बिटल इज इन द T2g ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, द नेक्स्ट हाईएस्ट स्टेट अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज द MTEG लेवल, इफ लाइट करेस्पॉन्डिंग टू दिस ब्लू ग्रीन लेवल इज अब्सॉर्ब बाय द कॉम्प्लेक्स इट विल एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2g लेवल टू EG लेवल, कंसिक्वेंटली द कॉम्प्लेक्स अपीयर्स वायलेट इन कलर, ठीक है। तो ये इसका सीधे सीधे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, आई होप समझ में आ गया होगा, मतलब इसमें कुछ खास है नहीं, मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने बोला है कि जो कॉम्प्लेक्स है H2O6 TH2O6 ये वायलिन कलर इसलिए होता है क्योंकि अपने को पता है कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है Ti3+ में 3d1 होता है ना, क्योंकि Ti3+ 3d1 होता है, तो वो T2g लेवल में होगा ऑब्वियस बात है, ग्राउंड स्टेट में। जो अगली हाईएस्ट स्टेट होती है वो होती है Eg, जिसमें मैंने बताया था आपको 3d2 3dx2 y2 होता है। तो अगर लाइट जो होती है ब्लू ऑक्सीजन रीजन की, अगर वो ब्लू ऑक्सीजन रीजन की लाइट को अब्सॉर्ब करता है तब वो T2g लेवल से Eg लेवल में जाता है, इसलिए जो कॉम्प्लेक्स होता है ये वायलेट होता है कलर में, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें, अपने को ये बोला है कि 3d1 सिस्टम होता है, तो अगर इसको T2g से Eg लेवल में जाना है तो मेरे को वायलेट कलर की लाइट अब्सॉर्ब करनी पड़ती है, तो ब्लू ग्रीन कलर की लाइट अब्सॉर्ब करनी पड़ती है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू ग्रीन का वायलेट होता है, पता है ना ये कौन सा, पता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर का, कि जो कलर अब्जॉर्ब होता है वो कलर नहीं दिखता है, उस कलर के जो उस कलर के अपोजिट जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो दिखता है, तो ब्लू ग्रीन का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो होता है वायलेट। तो अगर टाइटेनियम ब्लू ग्रीन रीजन की लाइट अब्जॉर्ब करके इजी लेवल में जाता है तो अपने को उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब वाइट वायलेट कलर दिखता है, हेंस TiH2O6 इज वायलेट इन कलर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं 5.26, इसमें क्या बोला है मुझे, तो मुझे बोला है व्हाट इज मेंट बाय कैलेट इफेक्ट। तो कैलेट इफेक्ट मैंने आपको बताया है कि जब कोई डाइडेंटेट लिगेंड या बाइडेंटेट या टर्डेंटेट टेट्राडेंटेट पॉलीडेंटेट लिगेंड आता है तो वो अपने
डोनर आइटम से ऐसे पॉइंट ऐसे सेंट्रल आइटम्स कनेक्ट होता है कि एक रिंग टाइप की बन जाती है, और वो रिंग होती है 5 मेंबर की या 6 मेंबर की, ज्यादा अगर 5 मेंबर या 6 मेंबर की रिंग बनती है, तो इसी चीज को अपन लोग बोलते हैं क्लेड इफेक्ट। तो क्लेड इफेक्ट इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ 5 और 6 मेंबर की, तो उसको क्लेड इफेक्ट बोलते हैं। इसका इन्होंने एग्जाम्पल पूछा है, तो मैं आप एग्जाम्पल देता हूँ, डेफिनेशन तो मैंने बोल दिया है, एग्जाम्पल मैं चलो बना देता हूँ। जैसे कि कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम का, पी टी, ठीक है, इसका एक कॉम्प्लेक्स है, मैं ईएन लेता हूँ। ईएन पता है क्या होता है? ईएन होता है NH2, ये जुड़ा होता है CH2 से, ठीक है, ये जुड़ा होता है दूसरे CH2 से, और फिर ये वापस जुड़ा होता है NH2 से, NH2, और ये फिर फाइनली सिलीव जाता है। देखो कितने मेंबर की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बन गई, और बाकी मैं दो बाहर से देता हूँ, मान लो CL जोड़ दिया यहाँ से, ब्रोमिन जोड़ दिया यहाँ से, ठीक है, तो इस टाइप का ये कॉम्प्लेक्स बन गया। तो जो ये रिंग बनती है ना, जो ये रिंग बनी है, इसको अपन लोग बोलते हैं किलेशन। ये क्या है? ये है किलेशन, समझ में आ गया? इसको अपन लोग बोलते हैं किलेशन, मतलब जब 5 और 6 मेंबर रिंग बनती है उसको अपन लोग बोलते हैं क्लेड इफेक्ट, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने मुझसे बोला है 5.27, उसने मुझसे बोला है कि डिस्कस ब्रीफली रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अरे ये तो बिल्कुल नहीं करने वाला मैं डिस्कस, ये सिंपल सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। तो 5.28, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन। अपने को कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, अपने को पूछा है कितने आयंस से सॉल्यूशन प्रोड्यूस होंगे, तो कुछ नहीं, अपने को इसका कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। अपन को अगर इसका कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला पता होगा तो अपन आसानी से सीखते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि इसका कोऑर्डिनेशन फॉर्मूले में अमोनिया, 6 अमोनिया अंदर रहते हैं एंड कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, और Cl2 बाहर रहता है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होता है, CONH3, CONH3 6, तो मैं बंद कर देता हूँ, फिर Cl2, इस टाइप का होता है। तो क्या होता है ना, जब अपन इसको डिसोसिएट करते हैं तो क्या होता है कि जो ये कॉम्प्लेक्स है CONH3 6, ये तो LHS हो जाता है, मैंने आपको ये पहली क्लास में बताया था, इसका 2 माइनस प्लस 2 Cl, अरे यहाँ पे ठीक है। तो इसका मतलब कितने आयन सारे सॉल्यूशन में, एक ये आयन आया और दो ये आयन आए, तो मतलब हेंस 3 आयन्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं 5.29, इसमें क्या बोल रहा है मुझसे, अमंग्स द फॉलोइंग आयन विच वन हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। तो ये तो मैंने आपको निकालना बता दिया है, तो √10 पर √10 एन प्लस टू से कर लेंगे, तो मैं लिखता हूँ कि मैं सब में लिख देता हूँ कि सब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अपना क्रोमियम होता है उसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, ये इसे अपने सॉल्व किया था, जो अपना ठीक है 3, तो इसके हम मैग्नेटिक मोमेंट आता है, ठीक है, इसके इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं 3, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है मैंने बताया था, तो मैग्नेटिक मोमेंट आता है √15, क्योंकि √3 × 3 + 2, मतलब √15, इसका आता है √15। फिर अगला चलता हूँ मैं, अगला दिया हुआ है Al2+6, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, तो इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 4 × 4+2, मतलब 4 × 6, मतलब √24 आता है इस केस में, कितना आता है √24, कुछ नहीं कहता है, √10n+2 लगा रहा हूँ। और थर्ड वाले केस में क्या दिया हुआ है, थर्ड वाले केस में दिया हुआ है Zn H2O6, तो Zn होता है 3d10, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं, इसमें तो जो अपना मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो 0 आएगा। और मुझसे पूछता है कि हाइस्ट इसकी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है हाइस्ट वैल्यू ऑफ मोमेंट इसकी होगी, इसका मतलब किसका, इसका मतलब किसका, ये है Fe2O6, हेंस सेकंड हैज हाईएस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5.30, तो अपने से बोला है कि अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबल कॉम्प्लेक्स पूछा है ना अपने से, तो स्टेबल देखने के लिए क्या करेंगे, अपन
अपन देखेंगे क्रिलेशन किसमें हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया था जो जितना क्रिलेशन होगा जिसमें वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, तो क्रिलेशन सिर्फ एक ही में दिख रहा है मुझे ऑक्सीलेट वाले कॉम्प्लेक्स में, Fe2O4 में, इसका मतलब थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो थर्ड इज मोस्ट स्टेबल, वाई? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लेट रिंग। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था। नेक्स्ट चलते हैं 5.31, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट विल द करेक्ट कलर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को सी एफ एस सी देखनी है, जिसकी सी एफ एस सी ज्यादा उस हिसाब से रिसर्च हो जाएगा। तो अपने को पता है कि स्ट्रॉन्ग, पहले अपने को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहले आता है H2O, H2O से बड़ा होता है अमोनिया, अमोनिया, और उससे बड़ा होता है NO2-। ठीक है, तो अपन यहाँ से देख सकते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर ये है, तो कॉम्प्लेक्सेस का ऑर्डर भी होगा, मतलब एनर्जी जो ये एक्साइटेशन के लिए एब्जॉर्ब करेंगे वो सबसे कम होगी H2O, NiH2O के लिए, फिर होगी NiH3 के लिए, फिर होगी NiNO2 के लिए। इसका मतलब मैं कॉम्प्लेक्स के लिए दूंगा, इसका मतलब जो एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन होगी वो सबसे ज्यादा होगी NiNO2-6 के लिए। ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा समझ में आ गया यहाँ पर। ये मैंने किस ऑर्डर लिखा, ये मैंने लिखा है एनर्जी एब्जॉर्ब फॉर एक्साइटेशन का। ठीक है, कैसे लिखा, ऑब्वियस बात है जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आगे होंगे उसका मतलब वो उतने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसकी एक्साइटेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने बताया कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होती है उनकी बहुत ज्यादा होती है, तो ऑब्वियस बात है इनके लिए एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और अपने जो एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। अपने अपन ने पढ़ा हुआ है ना कि E इज इक्वल टू HC/लैम्डा, मतलब HC/वेवलेंथ, तो जो ये एनर्जी होती है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा, उसकी वेवलेंथ कम। ठीक है, तो इसका मतलब जो वेवलेंथ का ऑर्डर आएगा वो इन्वर्स हो जाएगा इसका, जो मैंने यहाँ पे लिखा है यही ऑर्डर होगा, बस इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो फॉर वेवलेंथ ये चीज हो जाएगी ऐसी, और ये चीज भी हो जाएगी ऐसी। ठीक है, दिस इज फॉर वेवलेंथ, फॉर वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। हाँ, कोऑर्डिनेशन चैप्टर सबसे बेसिक चैप्टर है, मैंने कल बताया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो इसके कॉन्सेप्ट अपने को आने चाहिए। हाँ, थोड़ा सा टिपिकल तो है, लेकिन अगर अपन लोग को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और कोऑर्डिनेशन थ्योरी, अगर ये सब अपने को पता है, क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, बायोडेंटिसिटी क्या होती है, ये सब अगर अपने को कॉन्सेप्ट पता है तो ये चैप्टर थोड़ा टिपिकल है, लेकिन अगर अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। हाँ, इसमें क्वेश्चंस ज्यादा टाइप के नहीं बन पाते, क्वेश्चंस कुछ ही पर्टिकुलर टाइप के बन पाते हैं, 10-15 टाइप के। तो अगर अपन ने उन सभी क्वेश्चंस को एक एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो फिर अपने को इसमें दिक्कत नहीं आएगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।